हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल दीपिका मेडिटेशन पावर में। मेरा आज का विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ द लोटस फ्लावर। कमल का फूल बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म के धर्मों में पवित्रता और सुंदरता से जुड़ा हुआ है। प्राचीन मिस्र के बौद्धों और हिंदू धर्मों का कहना है कि प्राचीन मिस्र में मुख्यतः दो प्रकार के लोटस होते थे, जो कि बड़े और सफ़ेद और नीले। इसके अलावा गुलाबी कमल के फूल का भी इस्तेमाल अधिक होता था। लोटस पौधा पुनर्जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। इसका यह परिणाम है कि यह रात में पानी में वापस चला जाता है और अगले दिन सूर्य में एक ताज़ा लोटस उभर कर आता है। इसलिए मिस्रियों ने कमल के फूल को सूर्य के साथ जोड़ा, जो रात में गायब हो जाता है। इसीलिए कमल सूर्य और सृजन का प्रतीक माना जाता है। बुद्धिज़्म में, बौद्ध धर्म में कमल शुद्धता, आध्यात्मिक जागृति और सच्चाई के साथ जुड़े जाने के लिए जाना जाता है। फूल शुद्ध माना जाता है। हिंदू धर्म में लोटस का अर्थ सौंदर्य, उर्वरता और समृद्धि, आध्यात्मिकता और अनंत काल से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में सबसे सामान्य कमल का रूप सफ़ेद फूल होता है, वाइट लोटस। हिंदू धर्म के कई देवी देवताओं को फूल से जोड़ा जाता है। समृद्धि की देवी लक्ष्मी एक पूर्णतः खुले हुए कमल के ऊपर विराजमान होती हैं। फूल बहुत ही शुभ और पवित्र होते हैं। जिस घर में फूल होते हैं वहाँ नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिविटी दिखाई नहीं देती है। फूलों के इस्तेमाल से आप जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ा सकते हैं। कमल के फूल का महत्व जीवन में शुभ के आगमन का प्रतीक माना जाता है। कमल का फूल, कमल का फूल देवी देवताओं को बहुत ही प्रिय होता है। कमल का फूल शुद्ध रूप से दैवीय और आध्यात्मिक फूल माना जाता है। सफ़ेद रंग का फूल सबसे पवित्र और ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ होता है। कमल का संबंध नौ ग्रहों और दुनिया की पूरी ऊर्जा से है। कमल का फूल अर्पित करने से अर्थ होता है कि ईश्वर के चरणों में स्वयं को अर्पित कर देना। कमल का मानसिक फूल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे कई समस्याओं से राहत मिलती है। कमल बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के आठ शुभ लक्षणों में से एक है और बौद्ध मंडल में आठ पेटल वाले कमल को देखा जाता है, जिसका अर्थ ब्रह्मांडीय संद्राव यानी कॉस्मिक हार्मनी से है। दोस्तों, बुद्धिज़्म में एक बहुत ही पवित्र मंत्र है ओम मणि पद्मे होम, जिसका अर्थ है कि कमल में गहना जो प्रभुता का प्रतिनिधित्व करता है। ये दावा किया जाता है कि इस मंत्र में रहस्यमय शक्ति है। ओम मणि पद्मे हम रेफर्स टू ज्वेल इन द लोटस विच रिप्रेजेंट एनलाइटमेंट
It is claimed that this mantra has great mystical power. केवल आध्यात्मिक जगत में ही नहीं, अपितु जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर भी पवित्र और शुद्ध होता है, उसी प्रकार आप भी कमल के फूल से यह सीख सकते हैं कि जिस प्रकार वह कीचड़ में होते हुए भी पवित्र है, शुद्ध है, उसी प्रकार आपके आसपास चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, कितने भी नेगेटिव लोग हों, आप उनके प्रभाव को अपने ऊपर नहीं पड़ने देंगे। ये शक्ति आपके अंदर है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो सपोर्ट मी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, कीप स्माइल, स्टे फिट एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल। थैंक यू वेरी मच।